और समाज गौरव अवार्ड की ट्रॉफी आप पूनम सिंगल, मंजू सिंगल और बाकी हमारे अतिथि सभी मिलकर नंदकिशोर गर्ग जी इनको भेंट करें। महिलाओं से निवेदन करूंगा आप मंच पर रहें। एक इसी तरीके से श्रीमती मंजू सिंगल जी भी हमारे समाज में हर कार्यक्रम में कोई भी कार्ड हो उसमें मंजू सिंगल जी की उपस्थिति के बिना वो पूरा नहीं होता, कोई भी कार्यक्रम हो वो भी पूरा नहीं होता। आप अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की चेयरपर्सन भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक अंग वस्त्र और पुष्पहार से इनका अभिनंदन करें और इनकी ट्रॉफी लेकर आए। और महिलाओं को महिलाएं ही मिलकर एक ट्रॉफी इनकी। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नंद किशोर जी, ये फिफ्थ क्लास के बच्चे जो और हैं, 96 बच्चे हैं फिफ्थ क्लास के हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जी। बड़ी क्लासों के कम होते हैं, छोटी क्लासों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इन सबको हम लोग सम्मिलित रूप से ट्रॉफी देंगे। श्री अरुण अग्रवाल जी कृपया आएँ, इस ट्रॉफी में भाग लें। श्री राम कैलाश गुप्ता जी कृपया आके अपने कर कमलों से ट्रॉफी दें। श्री घनश्याम गुप्ता जी जेवर ग्रुप से जो कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल के यहाँ पर श्री राम कुमार गुप्ता जी के पोत्र और पोत्री जिन्होंने 95% से अधिक अंक लिया है, रिया और सात्विक, उनको भी सब लोग मिलकर आशीर्वाद दें। श्री प्रदीप मित्तल जी कृपया आप भी इसमें साथ रहें। श्री शिवदत्त गुप्ता जी आप इस साइड से आके आशीर्वाद दे दें। श्री राम कुमार गुप्ता जी श्री दरवेश बंसल जी कृपया आप भी आए। ग्रुप में तो सभी लोग खड़े हो सकते हैं। वासुदेव जी कृपया आप भी आए, सक्सेना जी आए, मुन्ना जी आए, अपने हाथों से ट्रॉफी दें। श्री वेद प्रकाश सिंगल जी मेरे पिता श्री कृपया साथ में रहें। श्री प्रदीप अग्रवाल जी कृपया ट्रॉफी को नीचे रखें। Thank you.
हमारे बीच में श्री राजेंद्र अग्रवाल जी आज के समाज गौरव आप भी उपस्थित हैं, सुप्रसिद्ध समाज सेवी पीतमपुरा से आप डायरेक्टर हैं वर्टिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के, कृपया साथ में रहें और ये ग्रुप फोटो के बाद ये बच्चे कृपया अपने पेरेंट्स के पास चले जाएं। मैं निवेदन करूंगा श्री शिवचरण गोयल जी से, अब शिवचरण गोयल जी मुझे मालूम है आपके कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहते हैं तो वासुदेव जी को हम नहीं छोड़ेंगे, वो यहीं रहेंगे पूरे टाइम। आपके क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे और पेरेंट्स इस प्रोग्राम में हैं, कृपया आप बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री शिवचरण गोयल जी मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई नंद किशोर गर्ग जी, भारत भूषण बनर्जी जी, देशबंधु गुप्ता जी, प्रदीप अग्रवाल जी और जानी मानी हस्तियां और मेरे सामने बैठे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं नमस्कार भी करता हूं और आप सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूं। आज जो बच्चे अवार्ड लेने के लिए आए हैं और इन्होंने जो पदक हासिल किए हैं, मैं इनको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आगे से आगे बच्चे अपने क्षेत्र में इससे बढ़कर सफलता प्राप्त करते रहें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं पवन सिंगल जी को, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया हुआ है और जैसे अभी इन्होंने कहा 13 साल पहले ओनली 60-65 बच्चों से इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था और करीब 700 बच्चे तक ये यहाँ पर अवार्ड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इतना उत्तम प्रयास। और आगे मैं पवन जी को कहूंगा, ये जो अभी 700 की संख्या है, आगे चलकर ये 7000 में संख्या पहुंचे और उससे बढ़ती जाए, इसके लिए मैं अपनी विशेष इनको जोर दूंगा। बच्चों में ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे, करो वो काम दुनिया तुम्हें सलाम करे, आकाश तुम्हें सलाम करे, धरती तुम्हें सलाम करे। आप सभी वो काम करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, हाथ खड़े करें, अभी सब अवार्ड लेने में मस्त हैं। तो आप यहां पे भी जिस भी लक्ष्य पे आप लग जाएं, उस पे दृढ़ता से लगे, विश्वास से लगे, तो सफलता आपके कदमों में और आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। अभी सब लोग अपना तफरी फिर किए हैं, मैं बस अपनी शुभकामनाएं आपको दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आप समय को देखते हुए, बच्चों के मन को देखते हुए आपने भाषण दिया, उनका उद्बोधन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपके सहयोग से निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है और आपके परिवार के नाम से ये ट्रॉफी प्रतिवर्ष बच्चों को दी जाती है। आप समाज सेवा और धर्म के क्षेत्र में तो आपका परिवार शुरू से था ही, लेकिन अब ये आप आम आदमी पार्टी के माध्यम से जो आप विधायक चुन के आए हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आपने कदम रखा है। निश्चित रूप से जैसा आप समाज सेवा और धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, हमें पूरी उम्मीद है कि राजनीति के क्षेत्र में भी आपका परिवार इसी तरीके से मुकाम हासिल करेगा और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आपका, हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बच्चा किसी को यहाँ पर जो मंच पर मेरे साथ है किसी से मिसप्लेस हो गया है, पेरेंट्स जिस किसी का भी हो आके कृपया मंच से ले लें। क्या नाम? सोनू नाम से बेटा, मम्मी आपकी आ गई है। देखो मैं सुरेश अग्रवाल जी से और कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। हमारे बीच में जैसा जब से नंदकिशोर जी का मुझे आदेश हुआ है, हम लक्ष्मी माता और सरस्वती माता के सामने एक दीपक कार्यक्रम शुभारंभ पर जलवाते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम का जो एक परंपरा है दीप प्रज्वलन की, वो जब गेस्ट आने के बाद हम करते हैं। तो इसी कड़ी में दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री देशबंधु गुप्ता जी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के, वीपी ग्रुप के आप एमडी हैं, श्री प्रमोद गुप्ता जी मैनेजिंग डायरेक्टर वर्फा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के, श्री वासुदेव गोयल जी सुप्रसिद्ध समाज सेवी पंजाबी बाग, आप तीनों आए साथ में श्री जयनारायण अग्रवाल जी, श्री शिवदत्त गुप्ता जी, श्री डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, श्री प्रदीप मित्तल जी, हमारे अन्य लोग भी सभी आएंगे और पुष्पांजलि के लिए थोड़ी सी जगह बीच में रखेंगे। प्रदीप अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन है ग्लोबल सिग्नेचर के, इस दीप प्रज्वलन में सब साथ रहे एक बार। नंदकिशोर जी एक बार आप आए, आप ही की प्रेरणा से मैं ये सब। हमारे बीच में आदरणीय मंगत राम सिंघल जी पधारे हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार एवं अध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन दिल्ली प्रदेश के, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस कड़ी में अब स्वागत कराना चाहूँगा श्री देशबंधु गुप्ता जी का, दीप प्रज्वलन की मैं वेट कर रहा था आपका। श्री जयनारायण अग्रवाल जी कृपया आए, आप हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं। श्री देशबंधु गुप्ता जी को माला पहनाकर आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। श्री शिवदत्त गुप्ता जी अंग वस्त्र श्री देशबंधु गुप्ता जी को देंगे, भेंट करेंगे। श्री मंगत राम सिंघल जी और श्री नंद किशोर गर्ग जी, कामधेनु मंगल परिवार जो हमारे बीच में उपस्थित है, एक बहुत अच्छा कार्य जो कर रहा है, कृपया आप एक बारी मंच पर आ जाएं साथ में। गौओं के लिए हॉस्पिटल विश्व में एक पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि गौओं के लिए बनाया जा रहा है। आज इस संस्था को हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया है, प्रतिवर्ष एक संस्था भी सम्मानित की जाती है। इस कड़ी में कामधेनु मंगल परिवार से श्री विनोद अग्रवाल जी प्रधान, श्री रमेश गर्ग जी महामंत्री और श्री विनोद गुप्ता जी कोषाध्यक्ष हमारे बीच में है। बंधु जी की एक ट्रॉफी लेकर आए। एक बार आपका उनका फिर इसमें कराएंगे। शिवदत्त जी कृपया अंग वस्त्र बनाए और मंगत राम सिंघल जी और नंद किशोर गर्ग जी कृपया आए और बंधु जी को कृपया आप इस ट्रॉफी से बंधु जी का। और इसी कड़ी में कामधेनु मंगल परिवार की भी ट्रॉफी लेकर आए, जो कि इस वर्ष इस संस्था को सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनोद अग्रवाल जी प्रधान, श्री रमेश गर्ग जी महामंत्री, श्री विनोद गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, तीनों को अंग वस्त्र पुष्पहार से श्री देशबंधु गुप्ता जी पहनाए और उनकी ट्रॉफी उनको भेंट करें।
अंग वस्त्र भी है। जय नारायण जी साथ में पहना देंगे। श्री मुकेश गोयल जी हमारे बीच में, युवा समाज सेवी आरडी गोयल एंड सन्स, कृपया मंच पर आए, आपका अभिनंदन है। श्री राजेश गुप्ता जी हमारे बीच में, प्रधान श्री श्याम सेवा कृपा समिति नांगलोई दिल्ली से, कृपया आप मंच पर आए, आप हमारे समाज गौरव हैं। साथ में भाई साहब को भी लेकर आए। हमारे बीच में श्री हर सिंह हैप्पी जी प्रमुख सेवादार हैं, दशमेश सेवा दत्ता न्यू मोती नगर के, आपका भी अभिनंदन है, आप भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। जी जी, मैं निवेदन करूंगा हैप्पी जी से, श्री हर सिंह हैप्पी जी से, कृपया मंच के एक बारी मध्य आ पाए। हर सिंह हैप्पी जी आप देख रहे हैं हमारे मंच पर, एक ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत ही युवा शख्सियत है, लेकिन इनके विषय में मैं अभी कुछ दिन पहले ही जाना, इनसे मिला। आप धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जो कार्य करने में आपका मन होता है, वो एक अलग ही उसकी मिसाल है। लोग अपने नाम के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन ये सैकड़ों लोगों को मंदिरों के गुरुद्वारों के दर्शन कराते हैं, अपने खर्चे पर ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, गाड़ियों द्वारा ले लेके जाते हैं, धार्मिक फिल्में पूरा का पूरा हॉल बुक कराकर धार्मिक फिल्में लोगों को दिखाते हैं। इनकी आयु से इनकी देखकर आपको लगता है कितने यंग हैं, मात्र 25-26 साल के ये होंगे, और अभी से इनके मन में धर्म और समाज के प्रति इतना पेन है। गरीब कोई बच्चा हो, किसी की पढ़ाई रिलेटेड से कोई काम हो, किसी के स्वास्थ्य का कोई काम हो, उसके लिए तन मन धन से आप समर्पित हैं, और हमारे पूरे यहाँ पर पूरे मंच की शोभा अकेला सिख एक बढ़ा रहा है, 1.25 लाख से एक सिख लड़ाऊ। तो ऐसे हमारे युवा साथी के लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, और मैं निवेदन करूंगा श्री राम कैलाश गुप्ता जी से, आप एक पुष्पहार से इनका अभिनंदन करें। श्री जय नारायण जी इनको अंगवस्त्र पहनाएंगे। श्री प्रदीप अग्रवाल जी ग्लोबल सिग्नेचर से, और श्री नंद किशोर गर्ग जी इनको समाज गौरव की एक ट्रॉफी भेंट करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ पर रहें। हमारे बीच में अर्थ ग्रुप से एमडी श्री अवधेश गोयल जी और श्रीमती सीमा गोयल जी, जो कि सांवरी क्लब की चेयरपर्सन हैं, और आप अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष भी हैं, आपका अभिनंदन है। मैं पहले सीधा निवेदन करूंगा, ये बच्चे जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे अवार्ड लेने के लिए बैठे हैं, प्रदीप अग्रवाल जी के, आप इन बच्चों को, 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं, ये 63 बच्चे हैं, इन बच्चों को हमारे बीच में ममता जोशी जी पूर्व निगम पार्षद, आपका अभिनंदन। श्री एस के सिंह जी जो कि अध्यक्ष हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री महावीर गोयल जी, श्री प्रदीप मित्तल जी, श्री मंगत राम सिंगल जी, कृपया बच्चों को ट्रॉफी अपने कर कमलों से भेंट करें। श्री राम कुमार गुप्ता जी, श्री घनश्याम गुप्ता जी जेवर ग्रुप से और अध्यक्ष अग्निशैन हॉस्पिटल, श्री राम गोपाल गोयल जी जो कि लॉयन हैं, संदीप गोयल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ट्रॉफी भेंट करें। हमारे युवा साथी जितेंद्र गोयल जी, युवा अध्यक्ष दिल्ली के, कृपया आप भी बच्चों को ट्रॉफी दें। रामलाल गोयल जी, कृपया आप भी आए। श्री
अशोक गुप्ता जी सकरनी ग्रुप के चेयरमैन हमारे बीच में हैं, कृपया एक बार आप भी आएं और बच्चों को, आप बहुत बड़े मोटिवेटर हैं बिजनेसमैन के साथ साथ। गुप्ता जी आइए, क्या आराम से, आराम से, यही रहो। श्री अंकुश जी, अंकुश गोयल जी जो कि युवा सचिव हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली के, आप भी बच्चों को ट्रॉफी भेंट करें। यहाँ पे चेयर के पास आ जाए, पेपर लेके ट्रॉफी मिल जाएगी अभी, ठीक है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के पास चले जाएं और कृपया अभी बाकी लोग रुके रहे, कुछ अतिथियों का स्वागत जिन्होंने काफ़ी देर से अतिथि आए हुए हैं और उन्होंने अन्य कार्यक्रम में जाना है। मैं निवेदन करूंगा श्री नंद किशोर गर्ग जी से, कृपया मंच के मध्य आ पाएं। आप महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के चांसलर हैं, दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र में जो महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है आप उसके चेयरमैन हैं, आप विधायक रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, आपने हमारे समाज के लिए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हो, हरियाणा मैत्री भवन हो, अनेक धार्मिक संस्थानों की और सामाजिक संस्थानों की और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की है। इनके स्वागत के लिए श्री जयनारायण अग्रवाल जी कृपया पुष्पहार से नंद किशोर जी का स्वागत करेंगे। श्री ज्ञानेन्द्र अग्रवाल जी, श्री प्रमोद गुप्ता जी वड़फा वाले आए और आप अंगवस्त्र से स्वागत करेंगे और एक अतिथि की ट्रॉफी लेकर आए, अतिथि की ट्रॉफी। देशबंधु गुप्ता जी और शिवदत्त गुप्ता जी इस फोटो में सम्मिलित हों। धन्यवाद आपका भाई साहब। मैं बुलाना चाहूंगा श्री महावीर गोयल जी को, कृपया आप मंच के मध्य आ जाएं और प्रदीप मित्तल जी इनके अभिनंदन में साथ रहें, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन और आप राष्ट्रीय चेयरमैन, दोनों मंच के मध्य आ जाएं। देशबंधु गुप्ता जी, राष्ट्रीय चेयरमैन और दिल्ली के चेयरमैन, दोनों का अभिनंदन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा श्री मंगतराम सिंघल जी से, जो कि वैश्य महासम्मेलन के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में अनेक बार मंत्री रहे। श्री पहले प्रदीप मित्तल जी का अभिनंदन करेंगे। अंग वस्त्र और प्रदीप मित्तल जी की अतिथि की ट्रॉफी। रक्षी नहीं है।
पहन के आ जाइए। और सभी अतिथि यहाँ पर रहें, क्योंकि हमने समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित करना है हमारे दिल्ली के चेयरमैन श्री महावीर गोयल जी को। महावीर गोयल जी को अंग वस्त्र और पुष्पहार से अभिनंदन करें और एक समाज गौरव की ट्रॉफी महावीर गोयल जी की लेकर आए। श्री घनश्याम गुप्ता जी और श्री राम कैलाश गुप्ता जी भी इस ट्रॉफी को लेकर आए और इनका अभिनंदन करें साथ में। दिल्ली के चेयरमैन बहुत ही सहज सरल स्वभाव के, हंसमुख स्वभाव के, हर काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं, खुश दिल से आगे रहते हैं। मंच पर रहे। मैं इस कड़ी में स्वागत करवाना चाहूंगा श्री मंगत राम सिंघल जी का। मंगत राम सिंघल जी हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली के। आपने दिल्ली सरकार में हमारी शान बढ़ाई हुई है और इनके स्वागत के लिए श्री राम कैलाश जी आप इनका अभिनंदन करें। आप दिल्ली के क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, श्री राम कुमार गुप्ता जी इनको अंगवस्त्र पहनाएंगे, श्री घनश्याम गुप्ता जी अभिनंदन करेंगे, श्री राधे श्याम जी और राम कुमार गुप्ता जी ट्रॉफी लेकर जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री घनश्याम गुप्ता जी से, कृपया मंच के आप मध्य आए, आपका अभिनंदन है। आप अध्यक्ष हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के। राम कैलाश गुप्ता जी, देशबंधु गुप्ता जी और प्रदीप मित्तल जी एक कृपया राजीव गोयल जी हमारे बीच में कृपया आप आए और इस स्वागत में कृपया आप भी साथ में रहें। रमेश अग्रवाल जी कृपया मंच पर आए। और मैं निवेदन करूंगा प्रदीप मित्तल जी से और घनश्याम जी से, आप श्री राम कैलाश गुप्ता जी, राम कैलाश गुप्ता जी जो कि चेयरमैन है टेक्निया इंस्टीट्यूट के, आपका अभिनंदन करें। श्री राम कुमार गुप्ता जी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के और हमारे वेस्ट दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं, आपका भी अभिनंदन है। एक ट्रॉफी लेकर आए, अतिथि की ट्रॉफी श्री राम कुमार गुप्ता जी। मैं बुलाना चाहूंगा श्री अशोक गुप्ता जी को जो कि चेयरमैन है सकर्णी ग्रुप से, कृपया मंच के मध्य आए। आप बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आपका सहयोग इस कार्यक्रम में हमेशा रहता है, आपका मन रहता है कि बच्चों को जहां सम्मानित किया जा रहा हो वहां मेरा भी योगदान हो। पिछले वर्ष आप हमारे मुख्य वक्ता थे और आपने बहुत अच्छी स्पीच के माध्यम से आपका हौसला बढ़ाया था। श्री अशोक गुप्ता जी चेयरमैन सकर्णी ग्रुप
सकर्मी ग्रुप की स्पॉन्सर ट्रॉफी कृपया लेकर आए। मैं निवेदन करूंगा श्री मंगत राम सिंघल जी से, आप आकर अशोक गुप्ता जी को सम्मानित करें। हमारे बीच में इसी कड़ी में कुछ समाज गौरव आदरणीय मंगलराम सिंह जी आप कृपया आगे आ जाएं, कुछ लोगों को प्रदीप मित्तल जी कृपया आप भी रहें, देशबंधु गुप्ता जी आप भी आएं। मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को, युवा समाज सेवी हैं आप, डायरेक्टर हैं वर्टेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के, बीजेपी के और संघ के कार्यों में आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारे बीच विकास गुप्ता जी अर्थ ग्रुप के जेएमडी पधारे हैं, आपका अभिनंदन है, मंच पर आपका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा श्री मंगत राम सिंघल जी से, उनको समाज गौरव की एक ट्रॉफी भेंट करें और विकास गुप्ता जी भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। ट्रॉफी जरा जल्दी लाए। इसी कड़ी में एक और युवा साथी श्री मनीष अग्रवाल, जो कि ईस्ट दिल्ली के सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और बहुत तेजी से चाहे अग्रवाल संगठन हो जी, चाहे वेस्ट सम्मेलन हो, चाहे अग्रवाल सम्मेलन हो, सभी संस्थाओं में आपका बड़ा प्रेम है। ऐसे युवा साथी का समाज गौरव अवार्ड से सम्मान करके सभी लोग खुश हैं और उनके साथ उनके कोषाध्यक्ष मित्तल साहब और पूरी टीम आई हुई है, आप सभी का अभिनंदन है। बंधु जी उनको, बाकी लोगों को भी पुष्पहार पहनाएं। हाँ जी, ये लो। श्री अमित गुप्ता जी एक युवा साथी और श्रीमती इति गुप्ता जी जेम्स माइन से हमारे बीच में, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुरेश अग्रवाल जी को, सुरेश अग्रवाल जी जो कि डायरेक्टर हैं त्रिशूल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड के, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, आपका अभिनंदन है। आप अग्रवाल सम्मेलन, वेस्ट सम्मेलन, सभी संस्थाओं में बहुत सक्रिय हैं, कृपया उनका भी समाज गौरव से सम्मानित करें। श्री मंगत राम सिंघल जी कृपया आप साथ रहें मंच पर, शिवदत्त गुप्ता जी भी किसी किसी फोटो में साथ रहें। मैं निवेदन करूंगा श्री अवधेश गोयल जी से, जो कि अर्थ ग्रुप के जेएमडी हैं, कृपया आप भी आ जाएं इस फोटो में, और श्री प्रदीप अग्रवाल जी ग्लोबल सिग्नेचर ग्लोबल के आप चेयरमैन हैं, कृपया आप भी आएं। अवधेश जी आइए, आप भी प्रदीप जी। मैं श्री राजेश गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा, प्रधान श्री श्याम कृपा समिति नांगलोई दिल्ली, आप भी एक ऐसा युवा नाम है जो कि बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। राजकुमार जी कृपया आप साथ में आए, टीम तो साथ में रहेगी। राजकुमार जी
राजेश जी कृपया आए और इनका अंगवस्त्र और ट्रॉफी लेकर आए। हाँ मियाँ वाली नगर से साहब, आप सभी लोग मियाँ मंगलम प्रॉपर्टी वाले। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप अग्रवाल जी सिग्नेचर ग्लोबल चेयरमैन और एसएमसी के तमाम डायरेक्टर से, कृपया ये जो प्यारे प्यारे बच्चे ट्रॉफी के लिए यहां पर उपस्थित हैं वो आए। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री अवधेश गोयल जी से, श्री विकास गुप्ता जी से जो कि अर्थ ग्रुप के GMD हैं, कृपया आप भी आए। श्रीमती सीमा गोयल जी सावरी क्लब की चेयरपर्सन और चेयरपर्सन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन महिला दिल्ली की, श्रीमती इति गुप्ता जी जेम्स माइंड से, श्रीमती मंजू सिंगल जी, श्रीमती कविता अग्रवाल जी, सभी महिलाएं भी, श्रीमती ममता जोशी जी, श्रीमती संदीप गोयल जी, कृपया आप भी आए और बच्चों को अपने करकमलों से ट्रॉफी दें और इस ग्रुप फोटो में सम्मिलित हों। इधर आ जाए। आज इस फोटो में महिलाएं रहे, बच्चे नीचे ही हैं। बेटा आप नीचे वाले उस पर आ जाओ ना, ताकि अतिथियों की फोटो भी आएगी और आपकी भी आएगी। कृपया बच्चे इधर आ जाए नीचे। मेरा सिक्योरिटी गार्ड से निवेदन कि दोनों साइड की सीढ़ियों पर आप ध्यान रखें, जहां से बच्चे चढ़ रहे हैं और जहां से उतर रहे हैं, दोनों साइड के पे ध्यान रखें। हर्ष जी आप भी साथ में रहे। अभी जी कृपया ये बच्चे लेफ्ट साइड से, जी जी अच्छा अपने बच्चे ये जोरदार तालियां भी बजा दें जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं इन बच्चों के लिए। बहुत बहुत बधाई इन बच्चों को। कृपया सभी अतिथि बैठेंगे और मैं निवेदन करूंगा श्री राजीव अग्रवाल से, श्री राजीव गोयल जी से, जो उनके प्यारे प्यारे बच्चों ने पंथ एक प्रयास संस्था के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी थी यहां पर गणेश वंदना से लेकर और उसके बाद तक, ये तीन बच्चे वो हैं। कृपया इनकी मैडम जिन्होंने इनको तैयार किया बच्चों को, सीमा जी, और इससे पहले भी जो बच्चे थे, जय 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 जय
एक प्रयास संस्था के बच्चे हैं और इनके संरक्षक हमारे राजीव गोयल जी और इनकी पूरी टीम। कृपया मंच के मध्य आए श्री विकास गुप्ता जी से, जो कि आप अर्थ ग्रुप से हैं, अर्थ ग्रुप के जेएमडी, और श्रीमती सीमा गोयल जी से कृपया आप भी मंच के मध्य आए। श्री मंगत राम सिंगल जी, आप श्री अवधेश गोयल जी, बंधु जी, इनका अभिनंदन करने के लिए मैंने मध्य बुलाया है। हाँ, अवधेश जी तो खूब करते ही हैं, आज तो औरों को, हाँ मैं निवेदन करूंगा मंजू सिंगल जी से और रीति गुप्ता जी से, कृपया इस अभिनंदन में आप साथ में आए। सीमा जी का आप अभिनंदन करें, माला माला और ट्रॉफी, और अतिथि की ट्रॉफी कृपया देव पूनम सिंगल जी और अवधेश जी और विकास जी को अतिथि की ट्रॉफी और उनका अभिनंदन श्री मंगतराम सिंगल जी, श्री जय नारायण जी के प्रेम। और ट्रॉफी भी लेकर आए। अवधेश जी और विकास जी की ट्रॉफी, मैं चाहूंगा इसमें प्रदीप अग्रवाल जी भी साथ में आ जाएं। प्रदीप अग्रवाल जी अतिथि वाले, अवधेश जी को एक एक और लाइन ट्रॉफी, निवेदन करूंगा श्री अमित गुप्ता जी और श्रीमती इति गुप्ता जी से, जो कि जेम्स माइन से हैं, कृपया मंच के मध्य आ जाएं और इनकी स्पॉन्सर ट्रॉफी लेकर आएं। हमारे अमित गुप्ता जी, दिल्ली का कोई भी कार्यक्रम हो, जेम माइन्स अमित गुप्ता जी का नाम उसमें ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे युवा हस्बैंड वाइफ दोनों, इतने सरल सहज हसमुख, और इनकी विशेषता है जेन्युइन जेम्स, और अब तो डायमंड के लिए भी विख्यात हो गए हैं। इनके शोरूम में डायमंड की भी वैरायटी, जेम्स की वैरायटी तो इनके पास है ही, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, और ये हमारे समाज के रियली डायमंड और जेम्स हैं ये। ऐसे अमित गुप्ता जी और रीति गुप्ता जी का अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सीमा गोयल जी, श्रीमती मंजू सिंगल जी और पूनम सिंगल जी, इनको मिलके एक स्पॉन्सर ट्रॉफी हम सब लोग देंगे। आइए इसको घुमा लो, वैसे इनका लोगो तो ये तो मेरा दूसरा लोगो है, वाला लोगो आ गया। बहुत बहुत अभिनंदन, और अभी जो आपको सबको ये जन्मपत्री बना के देंगे, उस जन्मपत्री की लगभग 1500 रुपये कॉस्ट है, जिस सब बच्चों को इन्होंने वो फ्री कूपन दिया है। और इनके यहाँ बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही ज्ञानी, जो पत्री के ज्ञाता हैं वो इनके ऑफिस में अवेलेबल हैं, आप वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। और जो डायमंड रिंग गिफ्ट है वो भी इन्हीं की तरफ से है, जो प्रथम गिफ्ट है। मैं इस कड़ी में अब बुलाना चाहूंगा श्री संदीप गोयल जी को, कृपया आप मंच के मध्य आएं। आप
हमारे व्यस्त महासम्मेलन नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं। इनके साथ इनकी वाइफ भी आई हैं, कृपया आप भी मंच के मध्य आए। आप पिछले वर्ष आपका अभिनंदन करने के लिए हमने आपको बुलाया था, किसी कारणवश व्यस्त होने के कारण आप कार्यक्रम में नहीं आ पाए। आप भी मन से बहुत ही समाज के लिए तत्पर रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी हस्ती को समाज गौरव ट्रॉफी प्रदान कर इस ट्रॉफी का अभिनंदन है। श्री मंगतराम सिंघल जी, कृपया एक बार आप साथ में रहें। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बुलाना चाहूंगा श्री दिनेश विजयवर्गीय जी को, जो कि अध्यक्ष हैं विजयवर्गीय वेस्ट मंडल दिल्ली के। इनके साथ भी विजयवर्गीय समाज की पूरी टीम पहुंची हुई है। आपका अभिनंदन है। आप भी समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम करके और इसके बाद हमारे राजेश कथूरिया जी, जो कि डायरेक्टर हैं राइट कंप्यूटर कैंपस के, ये पूरा विजयवर्गीय समाज यहाँ पर उपस्थित। ये एकता, ये प्यार आपस में, जब अपने अध्यक्ष का अभिनंदन हो तो सभी लोग इसमें भागी बन रहे हैं। हम तो आपके साथ हैं ही। आइए जनरल जी, आगे आइए। मंगतराम सिंघल जी, कृपया आप आए। आप ये वैश्य समाज का एक विशेष घटक है और आप वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं। बंधु जी, कृपया आप भी आए और फोटो दो पार्ट में ले लें, अगर पूरा ग्रुप ना आ पा रहा हो तो। राइट कंप्यूटर कैंपस के युवा साथी राजेश कथूरिया जी, कृपया आप आए। आप बच्चों को प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में जो कंप्यूटर के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं, आपने एक बीड़ा उठाया हुआ है। बहुत कम फीस लेकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करें। आप बहुत युवा हैं, प्रतिवर्ष इस आयोजन में भी लैपटॉप वगैरह आप अपनी तरफ से बच्चों को देते हैं। इस बार भी आपने LED जो लकी ड्रॉ में दिया है, वो अभी 9:30 बजे के बाद यहाँ निकाला जाएगा। कृपया श्री जयनारायण जी, बंधु जी, इनका अभिनंदन करें समाज गौरव अवार्ड। सिंघल साहब, कृपया हमारे दो जो हमारे लॉयन श्री रामगोपाल गोयल जी, कृपया साथ में रहे। एक कृपया आप साथ में आए। बंधु जी, ये एक इस तरीके की हमारी, जो कि बच्चों के लिए पूरे क्षेत्र में, पूरे नॉर्थ दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में लॉयंस के नाम से जाने जाते हैं। आप विख्यात बिल्डर हैं, आप हमारे समाज की हस्ती हैं, पंची बिहार की शान है। मैं बंधु जी से निवेदन करूंगा,
आप उस भार से आपका अभिनंदन करें। जय नारायण खंडेलवाल जी, जय नारायण अग्रवाल जी, आप उस भार से अभिनंदन करें, एक अंग वस्त्र पहनाएं। और मंगत राम सिंघल जी, आदरणीय मंगत राम सिंघल जी और प्रदीप अग्रवाल जी आए, आप एक विशेष ट्रॉफी जो है इनको प्रदान करेंगे हम सब लोग मिलकर। श्री अशोक गुप्ता जी के पे आप भी इसमें सम्मिलित हों। मैं मुकेश गोयल जी से निवेदन करूंगा, युवा साथी कृपया आप मंच के मध्य आए। आप आरडी गोयल एंड संस से हैं, आप इस छोटी सी उम्र में अनेक संस्थाओं के माध्यम से समाज का कार्य कर रहे हैं। देशबंधु गुप्ता जी जो कि हमारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री राम कुमार गुप्ता जी, जय नारायण जी, उनको अभिनंदन कर और बड़फा के श्री प्रमोद गुप्ता जी कृपया आप भी इस अभिनंदन में साथ हों। और मंगत राम सिंघल जी समाज गौरव अवार्ड की ट्रॉफी प्रदान कर इनका अभिनंदन करेंगे। इसके उपरांत हमारे एक और युवा साथी श्री वीना गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, जो कि डायरेक्टर हैं अल्फा कैंप के, सुप्रसिद्ध युवा समाज सेवी हैं अपने ही क्षेत्र के पंजाबी भाग के, कृपया आप मंच के मध्य आए। कृपया संजीव जी भी जो केमिकल एसोसिएशन से हैं, कृपया आप भी वाइस प्रेसिडेंट हैं केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन के, कृपया आप भी आए। मंगत राम जी एक इस युवा साथी को, ये तो आपके बहुत मुरीद हैं, श्री राजेंद्र गुप्ता जी के बेटे, मैं प्रमोद जी से निवेदन करूंगा, प्रमोद गुप्ता जी बड़फा वाले, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी दिए हैं, कृपया इसमें साथ में रहें और हम सब मिलकर अब आपका अभिनंदन करेंगे। बड़फा वालों की भी ये संजीव जी थे। साथ में आइए, प्रमोद गुप्ता जी कृपया आगे आ जाएं। बच्चों आपने देखा होगा ये स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है इनकी, इन्होंने सिंगल साहब जी माला और अंगवस्त्र लेकर आए। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप अग्रवाल जी से, कृपया आप इस ट्रॉफी में साथ में रहें। आप बड़फा एक्सपोर्ट्स के एमडी हैं, आप प्रतिवर्ष बच्चों को अपनी तरफ से गिफ्ट सेट प्रदान करते हैं और बड़ा कॉस्टली गिफ्ट सेट जो कि एक्सपोर्ट होता है। ये जो बच्चे 8th क्लास के बच्चे हमारे बीच में हैं, मैं ग्लोबल सिग्नेचर ग्रुप से निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों को ट्रॉफी प्रदान करें। 8th और 9th दोनों क्लास के बच्चे एक साथ हैं इसमें। मंगत राम सिंघल जी, हमारे अग्रवाल संगठन के युवा साथी जितेंद्र गोयल जी, श्री रामलाल गोयल जी, कृपया आ जाएं आगे और सभी लोग ट्रॉफी प्रदान करेंगे बच्चों को। श्रीमती ममता जोशी जी कृपया आप भी आए। मंजू सिंघल जी, सीमा जी, इति जी कृपया बच्चों को ट्रॉफी प्रदान करने में सहयोग करें। आप कोई बात नहीं, आओ वैसे ही तो देते रहो, कई बार देने से भी। श्री विनय गुप्ता जी भी आ जाएं बच्चों को ट्रॉफी देने में। मैं निवेदन करूंगा कैपिटल वन के श्री राजेश अग्रवाल जी से, कृपया अपने साथियों को लेकर मंच पर आए।
ट्रॉफी कृपया रतन जी ट्रॉफी लेकर आए बच्चों की। ये प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के युवा अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी, युवा सचिव अंकुश गोयल जी और श्री रामलाल गोयल जी जो कि चेयरमैन है कालिक्स फुटवेयर के, कृपया मंच के मध्य आए। हाँ अश्विनी अग्रवाल जी महामंत्री जी, ये चारों लोग कृपया मंच के मध्य आए, आपका अभिनंदन है। और देश बंधु गुप्ता जी जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली के, आप उनका अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन कि पुष्पहार और ट्रॉफी अतिथि की ट्रॉफी सुभाष जी। श्री रामलाल अग्रवाल जी, रामलाल जी को भी बुला लो। ये अंकुश जी को भी दो बंधु जी, और एक ट्रॉफी और लो। महामंत्री को भी 9th, 10th, 11th के बच्चे आ जाएं। ये बाबूजी के बच्चे हैं, इनके साथ इनके पोते पोतियां हैं, इनको अवार्ड मिला है और 95% से ऊपर ये मार्क्स लाए हैं। तो अच्छा, इनकी इच्छा है कि आप इन्हें आशीर्वाद दें। अप टू 12th तक सभी बच्चे मंच पर आ जाएं। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री जैनराम गर्ग अग्रवाल जी के पोतों को, कृपया दोनों पोते आए, उनको भी आप आशीर्वाद दें। बंधु जी आइए, दो ट्रॉफी लेकर आए, दो ट्रॉफी बच्चों की।
ला रहे बच्चों की ट्रॉफी लेकर आए। ऐसे होनहार दादू के होनहार बच्चे, दो ट्रॉफी आपके पीछे है वो ट्रॉफी। इलेवेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ और टेंथ के बच्चे जो हैं कृपया वो आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप से कि इन बड़े बच्चों को आप ट्रॉफी प्रदान करें जो कि 9, 10 और 11, 12 के बच्चे हैं। इस बड़ी क्लासों में 90% से ऊपर नंबर लाना एक बड़ी बात है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ओपीटिया को बुला लो। जो हमारे अतिथि हैं उनके लिए मंच के पीछे ही भोजन की व्यवस्था है। मैं कैपिटल वन टीवी के राजेश अग्रवाल जी और राजेश जी को कहता हूं कि आप आए, जो कि हमारे बीच में 3 साल की पूरी टीम आई हुई है, जो कि ये फिल्म अभी आने वाली है उसके विषय में बताएंगे। राजेश अग्रवाल जी, दोस्तों कैपिटल वन टीवी नेशनल थॉट्स को लेकर आगे चल रहा है, उसी मैं आपको बता रहा था। कैपिटल वन टीवी दोस्तों नेशनल थॉट्स को आगे लेकर चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है पवन जी भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। और दोस्तों इसी चैनल के साथ हम दो चैनल जो हैं रिलीजियस चैनल्स हम इसके साथ चला रहे हैं, संत बानी और ज्ञान वर्षा, जिसमें हम दिल्ली से पंजाब तक जितने भी गुरुद्वारे और मंदिर हैं उनका फ्री लाइव चैनल हम प्रसारण करते हैं। जैसा अभी हमने क्या कहते हैं झंडे वाला मंदिर से पूरे नवरात्रे हमने अपने इसी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया था। और आज इसी कड़ी में हम जो 3 साल की टीम को आपके बीच लेकर आए दोस्तों, वो भी एक ऐसी मूवी है जैसी आपने तारे जमीन पर देखी थी, वो भी पेरेंट्स के लिए, एक बच्चे जो हैं कुछ करना चाहते थे, ऐसी एक ये मूवी अभी आपके सामने मई के अंदर आ रही है। इसमें गौरव चौधरी के पिताजी श्री अतर सिंह चौधरी के ऊपर ये फिल्म है, उनकी रियल स्टोरी के ऊपर पिक्चर है। और ये पिक्चर जो है नेशनल जो हमारे राष्ट्रीय जो संगीत है शास्त्रीय संगीत, ये उसको आगे बढ़ाने के ऊपर, कैसे जो अतर सिंह चौधरी जी उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और वो नहीं बढ़ा पाए, गौरव चौधरी उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसी के ऊपर ये मूवी है। उनके पेरेंट्स के ऊपर डेडिकेटेड ये मूवी है। इसकी पूरी स्टार कास्ट आपके सामने है। 20 मई के करीब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो मैं चाहूँगा इस पिक्चर को आप, इस स्टार कास्ट को आप पूरा ध्यान दें और तालियों के साथ जब इस आपके सामने पूरी स्टार कास्ट यहाँ आ चुकी है। सौरव मिश्रा जो कि बॉलीवुड सिंगर है आपके बीच में है, चाहत कक्कड़ म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के, और डायरेक्टर जो है हमारे शकीर आलम वो यूके से हैं आपके बीच में हैं, और शिवांग जो है इसमें नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं आपके बीच में हैं। और थोड़ी देर में लाइव जो परफॉर्मेंस आपके सामने देने जा रहे हैं, एक तो मूवी का सॉन्ग है इसके अंदर और 3 अलग सॉन्ग्स हैं, तो ये पूरा लाइव आपके सामने अभी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले करेंगे। मैं चाहूँगा आप सभी इनका स्वागत करेंगे और इसको
अगर कोई एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे डांस करना चाहते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर नेशनल थॉट्स पर हम कैपिटल वन के हमारे इस थॉट को अगर आप लाइक करते हैं, तो फेसबुक पर जाकर capital1.tv को आप लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर भी हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और दोस्तों, 3 साल मूवी को भी आप जाकर फेसबुक पर लाइक करें। अगर आपको ये पूरा ये अभी इनका जो लाइव परफॉर्मेंस पसंद आए, तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां पूरी स्टार कास्ट के लिए हो जाएं। ये हमारे बीच में 3 ताल फिल्म के पूरी कास्ट हमारे बीच में है। ये फिल्म एक मैसेज है हमारे शास्त्रीय संगीत को, हमारे ऐसे संगीत को जो कि लुप्त होता जा रहा है। कई बार आज के रैप सॉन्ग और दूसरे तड़क भड़क वाले सॉन्ग्स के बीच में लोग इसके लिए अलग ही सुनने का मजा है। इस तरीके के म्यूजिक का, वो म्यूजिक आपको यहाँ डायरेक्ट मिलेगा। इस फिल्म के जो स्टार यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराया गया आपको, ये स्पेशली यहाँ पर आए हैं। ये फिल्म मई में रिलीज होने वाली है। पीछे बैनर पर हमने 3 ताल का पोस्टर दिया है। ये लोग आपके बीच में भी आएंगे और आपके साथ ग्रुप फोटो भी करवाएंगे। हमारे बीच में जो अतिथिगण हैं, वो भी इस स्टार कास्ट के साथ अपनी फोटो इस पोस्टर के साथ करवा सकते हैं। ये फिल्म जो संगीत प्रेमी है वो जरूर देखें, आपको इतना आनंद आएगा इस संगीत में। क्योंकि यहाँ पर 10 बजे के बाद म्यूजिक बंद हो जाता है, तो हम ज़्यादा समय इनको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो एक सॉन्ग इनका है, वो सॉन्ग आप सुने, वो सुनकर जहन के अंदर तक आपको अपील करेगा, मेरा ऐसा दावा है। मेरे रहनुमा ये सॉन्ग है। जैसे तारे जमी पर आपने फिल्म देखी, उसके सॉन्ग्स देखे, उसी तरीके से ये सॉन्ग्स भी दिल को छू जाने वाले सॉन्ग्स हैं। ये संगीत भी दिल को छू जाने वाला संगीत है। जल्दी से ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाएं और ताकि वो परफॉर्मेंस हम देख सकें। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो महिलाएं हैं, कृपया वो चाहें तो आप इनके साथ अपनी फोटो ले सकते हैं। रुक के बुलाएं ना इधर। दोस्तों, गौरव चौधरी जो हैं, एक मैं आपको और एक बात बता दूं, हमारे क्षेत्र से ही हैं, पश्चिमपुरी से गौरव चौधरी हैं, हमारे इलाके से हैं। तो एक बार जोरदार तालियां गौरव चौधरी के लिए। और शिवांग भी जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से हैं। तो हम चाहते हैं आने वाले समय में ये बड़े स्टार बने इस क्षेत्र से। हम उनको याद रखें कि गौरव जो है पश्चिमपुरी से ही थे। हम इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में शकीरुल आलम जी, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर। मेरे साथ ही खड़े हैं, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। तो इनके स्वागत के लिए अमित गुप्ता जी, कृपया अमित गुप्ता जी, इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, इनका आप अभिनंदन करेंगे कि एक ट्रॉफी लेकर आए। तो थोड़ा सा हम लोग मंच के मध्य हो जाएं। आइए यार, मैं एक एक का नाम लेके आगे बुलाऊंगा, तो वो आगे आते जाएं और उनका अभिनंदन करेंगे।
जय नारायण जी, कृपया आप आए इस ट्रॉफी में, और इति जी आप साथ में, साथ में आप तीनों लोग, इति जी, जय नारायण जी और अमित जी। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा गौरव चौधरी जी को, जो कि एक्टर हैं डबल रोल में और म्यूजिशियन भी हैं। ये फिल्म आपके फादर की ख्वाहिश थी, आपके फादर का सपना, उसको आप पूरा कर रहे हैं ऐसे होनहार बच्चा, और इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये हमारे ही क्षेत्र से है, पश्चिम बिहार से ही है, दिल्ली का ये पश्चिम, पूरी दिल्ली पश्चिम बिहार एक ही है, यहाँ पर एक ही है, वहां से है और अपना दिल्ली का बच्चा ये, और फिल्मों में नाम रोशन करेगा, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं इस मंच से। कृपया एक ट्रॉफी इनको प्रदान करें। प्रमोद अग्रवाल जी, कृपया आप साथ में आए, और अमित गुप्ता जी, कृपया आप दोनों ट्रॉफी इनको भेंट करें। शिवान ठुकराल जी, जो कि नेगेटिव रोल में हैं और म्यूजिशियन भी हैं, इनके लिए भी एक ट्रॉफी। शिवान ठुकराल जी, वो भी दिल्ली से हैं, नेगेटिव रोल में हैं, लेकिन हैं बड़े स्मार्ट, ये भी हीरो हीरो ही हैं इसलिए आपको नेगेटिव रोल में लड़ाई की है। राजेश जी, कृपया आप भी आ जाएं प्लीज, और राजेश जी जो चीफ एडिटर हैं चैनल के, दोनों साथ आ जाएं, आइए। कड़ी में क्षितिज ओबराय जी, यंग रोल किया है आपने गौरव का, अच्छा मेन हीरो का यंग रोल आपने किया है, बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे मेन रोल भी करें आप, आइए राजेश जी, दोनों राजेश जी आइए। चाहत कक्कड़ जी म्यूजिक कंपोजर हैं, कृपया आप आए, आपको भी राजेश जी एक ट्रॉफी भेंट करें। राम कुमार गुप्ता जी, आप भी आए, हीरो को आशीर्वाद तो दें आप भी। ये निश्चित रूप से ये मूवी नेशनल अवार्ड के लिए प्रपोज होगी, ऐसी मुझे आशा है और हमें पूर्ण विश्वास है। जोरदार तालियों से आप इसका समर्थन करें। सौरव मिश्रा जी, जो कि सिंगर हैं, जो आपको यहाँ अभी लाइव सुनाएंगे भी, इसके बहुत सुंदर सॉन्ग इन्होंने गाए हैं, कृपया आप आएँ। जय नारायण जी, आप भेंट करें। मंजू सिंगल जी, कृपया आप आगे आएँ, इति जी के साथ में ही, इधर आ जाएं, इधर इससे आ जाएं। इससे पहले भी कई फिल्मों में आप संगीत दे चुके हैं, गीत गा चुके हैं, कृपया दो ट्रॉफी और लेकर आएँ, जो कि हमारे कैपिटल चैनल के राजेश अग्रवाल जी और चीफ एडिटर राजेश जी, इन दोनों के लिए दो ट्रॉफी। इन्होंने पूरा प्रोग्राम ये कवर किया है लाइव, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर मिलेगा। मैं जय नारायण जी और राम कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि राजेश अग्रवाल जी को, राजेश जी को जो कि चीफ एडिटर हैं इसके चैनल के, पहले इनको सम्मानित करें। अमित जी और हम ग्रुप में थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ताकि ग्रुप अच्छा आ जाए, पीछे हो जाए। और दोनों राजेश जी को दें, ये वाले राजेश जी भी, राजेश अग्रवाल जी भी, और थोड़ा सा पीछे हो जाएं। वैभव चौधरी जी, एक यंग एक्टर इसमें रह गए हैं, कृपया वो भी आए। और हमारे बीच में रसिक गुप्ता जी, राष्ट्रीय हास्य कवि, इन्हें 6 बजे आना था, लेकिन किसी कार्यक्रम से होते होते इतना दूसरी जगह हंसा दिया इन्होंने कि हमारे बीच 10 बजे पहुंचे हैं। इनका समाज गौरव अवार्ड का मोमेंटो लेकर आए, हम इन्हें सबसे लोग मिलकर सम्मानित करेंगे। और जल्दी से आप अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे के बाद माइक अलाउड ही नहीं है, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब मुझे इस चीज़ की चिंता क्या करूँ। आइए रसिक गुप्ता जी, और हम आपको सम्मान करके, और इस वर्ल्ड लाफ्टर डे के ऊपर आपसे निश्चित रूप से कविता जरूर सुनेंगे। आइए अमित जी, गुप्ता जी आइए, जाने रहें जी, एक पुष्पहार भी लाएं और अंगवस्त्र भी लाएं। भाभी जी, आपने सारे लक्की ड्रॉ निकालने हैं, और आप सब लोगों ने रही पर ही रहना है।
इस पूरे कार्यक्रम में श्री राम कुमार गुप्ता जी, श्री राधेश्याम गर्ग जी और श्री चवन गुप्ता जी कृपया मंच पर आ जाएं, जो कि ये मंच पर तो मैं संभालता हूँ, मंच के पीछे जो सब लोग संभालते हैं, इनके अभिनंदन के लिए सुभाष जी दो ट्रॉफी और पुष्पहार लेकर आए। चवन गुप्ता जी कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। रतन विजय वर्गीय जी राम कुमार गुप्ता जी को माला पहनाए और इनकी अतिथि की ट्रॉफी। राम कुमार गुप्ता जी कृपया मध्य में, जयनारायण जी आप इनका सम्मान करेंगे। अमित जी प्रेरित सिंगल कृपया मंच के पास आए। प्रमोद जी एक राधेश्याम गर्ग जी के लिए इनकी ट्रॉफी, राम कुमार गुप्ता जी की भी ट्रॉफी। एक ट्रॉफी दो, एक एक हमने प्रमोद अग्रवाल जी का पहले स्वागत भाभी जी के साथ किया था और अब इनका स्वागत। अमित जी कृपया प्रमोद जी का भी अभिनंदन करें। राम कुमार गुप्ता जी और राधेश्याम जी की जो ट्रॉफी है, कृपया इनकी वो पारिवारिक ये इनकी हेलो हेलो ये आपकी है। एक और लाओ कोई। हेलो 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 चेक ये राधेश्याम। हेलो हाँ हेलो चवन गुप्ता जी कृपया मंच पर आ जाएं और मैं तीन ताल का म्यूजिक आपके सामने। मनोज जैन जी हमारे बीच में, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर साहब नहीं आए तो डॉक्टर साहब की ट्रॉफी भी इनको दो ना, भाभी को दो और ले आओ। हेलो 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 चेक 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 चेक। हेलो एवरीवन, वी विल परफॉर्म अ मूवी सॉन्ग तीन ताल का। Hope you will enjoy. Thank you.
किस्मत हुई है जब से मुझको तेरे नाम से निस्बत हुई है जब से मुझको तेरे नाम से दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से तुमसे ना हो कोई छाया तुमसा ना हो ना कोई साया तुमसे ना हो कोई छाया तुमसा ना हो कोई साया दे दे मुझे दुआ चलो तेरे कदमों मेरी निशान पर मेरे Oh,
अभिनंदन करें और सभी लोग मिलकर एक ट्रॉफी इनको भेंट करें। निवेदन करूंगा इस कड़ी में